दीर्घ दिन अपेक्षा शेष राज्यवासी को मिला एकमो चिकित्सा और एकमो चिकित्सा मिले एसीबी मेडिकल बर्तमान दृश्य देखी आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे आसिकी यार उद्घाटन करते पखापाखि नौटी एकमो मेसीन एसीबी मेडिकल कार्डिया विभाग जो रही इंस्टॉल करा और जेहेतु आप जानते प्रथम लहर करोनार गला द्वितीय लहर शेष होगापी बस आसंता किसी मस पर तृतीय लहर आसो बोली जहाँकि आशंका करते स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने कि पूर्व जेहेतु एकमो मेसीन आवश्यकता अनेक थी अनेक रोगी एकमो मेसीन अभाव राज्य बाहर को चिकित्सित चिकित्सा तक चलती एवं भी चिकित्सित अधिक अच्छा अनेक मृत्यु हो जाता है और अधिक कोटि कोटि टंका खर्च कर प्रत्येक रोगी मानी विभिन्न समय धरी दाबी होता है दाबी पर जेहेतु सर्वप्रथमे ओडिशा रे भुवनेश्वर एम्स प्रथम एकमो मेसीन लगे और परवर्त अवस्था एसीबी मेडिकल पखापाखि नौटी एकमो मेसीन लगी आम सहित यही एकमो मेसीन जो इनस्टल होती एकमो मेसीन दायित्व में जो कंपनी का दायित्व यही एकमो मेसीन लगी जेहतु यार मेन्टेनान्स कर कंपनी ही एकमो मेसीन इनस्टल करते आम सहित कंपनी जो सदस्य अच्छा सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा जो एकमो मेसीन लगी कतोटा एकमो मेसीन जो नौटा आज कहुत एकमो मेसीन कमी इनस्टल होती यार सब फंक्शन सब कमी कौन देखो आने एसीबी रे आम नौटा एकमो मेसीन सप्लाई कर वी आर फ्रॉम द बीएल लाइफ साइंस आउ एकमो मेसीन फ्रॉम जर्मनी आसचे तो ये सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आमर इंजीनियर्स परफ्यूशनिस्ट मैंने आसिकी एंटायर सेटअप को करिया पई विद आमको 1 मंथ लागिगला एंटायर तो एथरे वी हैव टू गो अराउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन कहीं मशीन जस्ट मैंने असेंबल करिया को गोटे टाइम लगेगा परफ्यूशनिस्ट मैंने ट्रेनिंग रे थिले कोलकाता रे तो से आसला पुणी आम हेड परफ्यूशनिस्ट ट्रेनिंग दे मशीन को आमको रन करिया पड़ला तो मशीन इज ए आर्टिफिशियल लंग्स यू नो एंड इतने कौन द मेन पार्ट इज दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरीफाई करुच तो ये आम किट लगुच तो किट को एंटायर प्राइमिंग सिस्टम ट्यूबिंग सेट करने परफ्यूशनिस्ट को अन् फिल्ड ट्रेनिंग देवाक पड़े तो ये कौन आम इंजीनियर्स भी अन् प्रोसेस रहा अन् बिहाफ आमर जी परफ्यूशनिस्ट एम परफ्यूशनिस्ट प्लस वी आम कंपनी परफ्यूशनिस्ट से दे हाव कम फ्रम क्वेट एंड दुबई से ट्रेनिंग नहीं कि 14-13 इयर्स ट्रेनिंग नहीं कि आसंत तो ये प्रोसेस जो इट इज ए न्यू प्रोसेस दैट इज बिंग स्टार्टेड इन ओडिशा तो यहाँ को सिस्टम को पूरा पाइपलाइन में पकेवाई बहुत टाइम भी लगी कि कारण फेज बै फेज वी हाव टू गिव ट्रेनिंग सेकेंड चीज मेंटेनेंस आमको ये इंजीनियर भी प्लेस करिया को पड़ी बिकॉज फर्स्ट टाइम 9 मशीन्स इन एसीबी एंड वी आर गोइंग फॉर अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो वी आर प्रोसीडिंग फॉर अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तेणु एंटायर सेटअप को आमको ये भी रेडी करिया को पड़ी कि जड़े ये रहीकि मेंटेनेंस को जज कर एंड सेकेंड जिनस मशीन एडवांटेज भी अच्छे वी कैन नॉट टेक द मशीन एंड बाय द तार पंप सेट नहीं कि एंड विद दैट ऑक्सीजनेटेड किट को नहीं कि भी आम जेकोसी पेरीफेरी रूप पेसेंट आम आनी पार दैट इज नो इश्यू तो मशीन को नहीं कि भी आम जीवानी वी आर हाविंग एन आडिशनाल एडवांटेज विथ इट वी कैन टेक द पंप अलोंग विथ दिस किट आम सेपट भी आम पेसेंट नहीं कि आसपार दैट एडवांटेज अल्सो दे इन द मशीन कॉस्ट सब कौन पड़ी अराउंड 50 lakhs आस मशीन वन मशीन कॉस्ट 50 lakhs आस देखिपे ऊपर कंसोल अच्छी मॉनिटर एंड दीटा पंप सेट अच्छी तले आपणकर हीटर कूलर अच्छी तो ये कौन आप देखुं गोटे व्हाइट पाइप एंड ब्लैक पाइप रोच ऑक्सीजन पैनल को कनेक्ट करुच्ची हेड को कनेक्ट करुच्ची तो ऑक्सीजन आमर मेन जिनस ऑक्सीजन जदि रेडी रोचे दिस मशीन विल बी वर्किंग इन अ फाइन मोड सेकेंड जिनस ऑल द सिस्टम्स यार गोटे डिफरेंट टाइप सिस्टम्स अच्छे दैट द पर्सन हाज टू बी वेल ट्रेन्ड वन्स कैनुलेसन होते लगी पेसेंट देहरे से समय यहाँ मॉनिटरिंग 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग रहा दरकार बिकॉज ब्लड फ्लो डिपेंड्स अपन करुच्ची से अनुसार एंटायर सेटअप को से ट्रेनिंग नहीं कि वन्स कोलकाता मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट आसारी एंड सेकेंड टाइम दे विल बी गोइंग फॉर द मोर एडवांस ट्रेनिंग वी आर ऑल्सो अरेंजिंग अ बिग ट्रेनिंग सेटअप फॉर दिस 9 मशीन्स हियर से मोर टीम भी आसवे फ्रॉम दिल्ली दे विल बी स्टेइंग फॉर 4-5 डेज एंड अगेन दे विल बी गिविंग ऑन फील्ड ट्रेनिंग दे विल मेक द मशीन ऑन यू दे विल मेक ऑल द सिस्टम्स अगेन दे विल चेक द सिस्टम बिकॉज ए सेटअपटा टोटल नुआ जर्मनी रो आसिला आमे एठी डके कि इंजीनियर डके कि ताको असेंबल करलो सो पेशेंट रो वन्स लागी गला परे यूनिट ईच एंड एव्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नीड सम सर्विसिंग तो एको आमे फिर पुणी आउथरे टीम डके कि एको आमे सर्विस करी कि विल गो ऑन मॉनिटरिंग ईच एंड एव्री टाइम
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଘଡ଼େଇ, ଯିଏକି ଏହି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଣିକି ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀର ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ, ପୁରା ବିବରଣୀ ସେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, କିପରି କାମ କରିବ, ଏବଂ କିପରି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ କଷ୍ଟ ବା କେତେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯାହାକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଥରକେ 9 ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଏସ୍ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି ବା ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।